बस शुरू से नारा था, बिल्कुल हम दो हमारे दो। तो अब इसको क्या बाई फोर्स कैसे रोकेंगे? नहीं, बाई फोर्स कुछ नहीं होता। देखिए यहाँ कोई युद्ध नहीं चल रहा। तीन बच्चे पैदा कर दे तो क्या वो करे? उसका उसका अधिकार छीन ले सरकार। किस तरह का अधिकार? चुनावी वोटिंग अधिकार छीन ले उसके, उसे किसी भी सरकारी सहभागिता में भागीदारी ना दी जा। जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा बड़े जोर शोर से उठ रहा है, पूरे देश में उठ रहा है, हजारों की संख्या में जंतर मंतर पे लोग आए हैं। क्यों चाहते हैं जनसंख्या नियंत्रण? जनसंख्या तो अच्छी भी होती है देश के लिए भाई, इतने साथ जितने हाथ उतना काम, तो दिक्कत क्या है? देखिए जनसंख्या नियंत्रण एक विशेष जरूरत है इस समय हमारे देश की। जनसंख्या अच्छी होती है, अच्छी हर चीज होती है और बुरी भी होती है, लेकिन आज की डेट, आज की जो हमारी जरूरत है, जरूरत के हिसाब से जनसंख्या पे अगर नियंत्रण नहीं होगा तो ये जनसंख्या एक विस्फोट का काम करेगी, विस्फोटक रूप ले लेगी। ये आज की डेट में आप देख रहे होंगे युवाओं के पास रोजगार नहीं है, जो अति हो रही है उसको रोकने की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल। तो कितने बच्चे तक ये जाएगा, मतलब कितने बच्चों की? हम दो हमारे दो बस शुरू से नारा था, बिल्कुल हम दो हमारे दो। तो अब इसको क्या बाई फोर्स कैसे रोकेंगे? नहीं, बाई फोर्स कुछ नहीं होता। देखिए यहाँ कोई युद्ध नहीं चल रहा। तीन बच्चे पैदा कर दे तो क्या वो करे? उसका अधिकार छीन ले सरकार। किस तरह का अधिकार? चुनावी वोटिंग अधिकार छीन ले उसके, उसे किसी भी सरकारी सहभागिता में भागीदारी ना दी जा, उसे राशन ना मिले, मुफ्त का जो राशन हो रहा है, जो मुफ्त का राशन जो है लूट रहे हैं, वो हॉस्पिटलों में लाइन लगा रखी है, हॉस्पिटलों की दवाई तो जो बच्चा है उसकी क्या गलती, जो पैदा हो गया उसकी? उसकी गलती नहीं है, माँ बाप की गलती है ना। हाँ। माँ बाप की गलती तो है, उसकी सजा उस तो बच्चे को क्यों मिले? बच्चे को एक किसी ना किसी को तो सकते, वो तो सबके लिए है ना भाई। ये मुद्दा ऐसा नहीं, ऐसा मत समझो आप इसे, हिंदू मुस्लिम ना बना के इसको आप जनसंख्या में नियंत्रण रखो केवल, ठीक है? जनसंख्या नियंत्रण चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, वो सबके लिए घातक है। कुछ तो कहते हैं ईश्वर की देन है बच्चे, वो क्या करेंगे? देखिए ईश्वर की देन तो सब कुछ है, ईश्वर की देन तो मुर्गे भी हैं, ईश्वर की देन तो बकरे भी हैं, उन्हें तो इंसान मुर्गे बकरे नहीं है, तो जीव है, दर्द तो उन्हें होता है, उन्हें भी होता है जब उनकी सुई चुभती है, जीव तो ये जो पेड़ पौधे है ना ये भी है हमारा, आप इसे समझ नहीं पाते। प्रकृति में भी जीवन है, ये जो पेड़ हमें जो हवा दे रहा है ना इसमें भी जीवन है, हमें इसका ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए, क्योंकि ये हमसे दे ही दे रहा है, हमें ले कुछ रहा ही नहीं हमसे बेचारा। भाई पेड़ आपसे रोटी मांगता है, पेड़ आपसे जो है कपड़े मांगता है, पेड़ आपसे दवाई मांगता है, बुखार हो गया जी मुझे, या पेड़ आपसे बताओ क्या आपकी वायु को शुद्ध करता है, आपका आपके घरों में खाने बनाने का काम करता है, आपके फर्नीचर में काम आता है, हर चीज में काम आता है पेड़, बताओ कहाँ बचाया जाए इन्हें, न कि नियंत्रण को। नियंत्रण तो आना ही चाहिए, मतलब जो भी अति हो जाती है उसको रोकने के लिए कानून चाहिए, कानून चाहिए। ये कब तक, कब कैसे करेंगे, कैसे? वैसे राज्य सरकारें अपने अपने, देखिए दो तरह से कानून बनता है, राज्य सरकारें बनाती हैं और केंद्र सरकार बनाती है। देखिए ये अगर ये मुद्दा, ये तो फिर भिड़ंत वाला मुद्दा हो जाएगा कि अगर राज्य सरकार ने बनाया, एक देश एक कानून एक समान, सारा जो है सेंट्रल से बने। और मोदी जी से निवेदन है कि जनसंख्या नियंत्रण में काम करें और करके इसका समाधान निकालें। उन्होंने हर समस्या का समाधान बड़ी गंभीरता से निकाला है, और बड़े देश, हमारे देश के बड़े अच्छे प्रधानमंत्री हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि मोदी जैसे प्रधानमंत्री हमारे देश को मिले। नहीं, देखिए 24 से मत जोड़िए इसे, मैं फिर कह रहा हूँ, इसे 24 से मत जोड़िए, अगर आप इसे 24 से जोड़ोगे तो ये दिक्कत है, ये चुनावी स्टंट। विपक्षी तो कहेंगे ऐसा, कहने दो, विपक्षों का तो काम है, तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है कहना। धारा 370 के लिए भी कह रहे थे, लाल चौक पे आज तिरंगा फहर रहा श्रीनगर में, ठीक है, और सारा देश एक समान के नारे लग रहे हैं वहां। तो कहने का मतलब ये है कि जो मोदी जी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, मोदी जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, और मोदी जी बिल्कुल सबको समान मान के काम कर रहे हैं। अगर सबको समान ना मानते तो जो जितने राशन मिल रहे हैं ना, ये राशन बंद हो चुके होते राशनों की दुकान पे, जो लोगों को हॉस्पिटलों में सुविधाएं मिल रही ना, ये हॉस्पिटलों की सुविधाएं बंद हो जाती। लोग तो कहते हैं रोजगार दे दो हम खुद खरीद लेंगे राशन, तुम्हारे 5 किलो गेहूं की जरूरत नहीं है हमें। रोजगार किस किस को देते मोदी जी, कहाँ से बताओ, इसीलिए तो कह रहे हैं हम जनसंख्या में नियंत्रण करो। देखिए बड़ी गंभीर बात है, बात गोल घूम के यही आती है कि रोजगार का इश्यू होता है तब भी जनसंख्या की बात होती है,
राशन की बात होती है तब भी जनसंख्या की बात होती है, आबादी नियंत्रण की बात होती है तब भी जनसंख्या कहीं ना कहीं घूम फिर के आती है। तो मूल में इनका कहना है कि जनसंख्या है, जनसंख्या की ये खराब नहीं कह रहे ना अच्छा कह रहे हैं, ये कह रहे हैं जनसंख्या पे नियंत्रण होना चाहिए और जनसंख्या समय की मांग है और जनसंख्या के विस्फोट को रोकने के लिए बहुत ही प्रभावी तरीके से कानून बनाया जाना चाहिए जिसमें लोगों को तो ये महसूस हो कि अगर वो कुछ गलत करेंगे या जनसंख्या बढ़ाने सोच कर जनसंख्या बढ़ाएंगे तो उनके साथ सरकार अपनी तरीके से कार्रवाई करेगी। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी, जय हिंद जय भारत।